खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष मोइनुद्दीन मनु भाई ने कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए बताया कि जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी व सदस्य लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली उत्तर प्रदेश के द्वारा नगर निगम के पार्षद प्रत्याशियों के चयन में टिकट बेचे वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने के कारण इस्तीफा दे रहे नेशनल प्रेसिडेंट एसुद्दीन ओवैसी को इस सामूहिक इस्तीफे के प्रति भेजी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस्तीफा का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक शौकत अली को उसके पद से हटाया नहीं जाता। इस्तीफा देने वाले लोगों में जिलाध्यक्ष मोइनुद्दीन, प्रदेश उपाध्यक्ष तौफीक अहमद, प्रचारक सोनेलाल गौतम, जिला उपाध्यक्ष नायज आलम, मोहसिन खान, शब्बीर खान, नौशाद आलम सईद ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित इस्तीफा सौंपा। जो है समय समय पे असद साहब को भी जो है सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्य मीडिया के थ्रू नहीं किया गया, जिस वजह से इसका जो है कहीं पे भी पब्लिकली संगठन में जो है नहीं आता। चुनाव जो है नजदीक है जी, तो पार्टी ज्वाइन करेंगे कि नहीं? अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करने का मेरा मूड है। अभी तो केवल इनके जो एक शैतान बैठ गया है एक अच्छी पद्धति पे, जो जिला अध्यक्ष के काबिल नहीं है उसको प्रदेश अध्यक्ष बना के घुमाया जा रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ शौकत को कि अपने आजमगढ़ से एक सभासद जिता के दिखा दे तो हम जाने हाँ ये प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे सब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। AIM हम लोग बड़े उत्साह के आए थे कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो सबको सम्मान सबको इज्जत देने का काम करेंगे, लेकिन जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली वो एकदम फिरौनियत उसके दिल में भरा हुआ है, किसी से बात नहीं कायदे से करता है, जैसे वो अब मौजूदा मुख्यमंत्री हो इस तरीके से। लेवल पर नहीं जा सकता है जिस लेवल पे हम लोग उतरे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उतर के दिखाएंगे कि कैसे एक प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। पूरी जिला यूनिट इस्तीफा दे रही है और ये प्रदेश अध्यक्ष को बताना है इंशाअल्लाह ताला जब तक आपको हटा के दम ना लेंगे तब तक ये काम चलता रहे। कितने लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं? मेरे जिला टीम में 61 लोग। 61 जी, 61 जी, और भी हैं लोग जो अभी नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।